हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से दलील दी गई है कि सीबीआई ने साल 2015 में जो केस रजिस्टर किया है वो दिल्ली पुलिस एक्ट के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। वीरभद्र सिंह के वकीलों की तरफ से आई सुनवाई में सीबीआई की एफआईआर पर लगातार सवाल दागे गए। वकीलों की तरफ से ये कहा गया कि 2015 में सीबीआई ने मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज की थी। उस समय वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जबकि सीबीआई के एक्ट के तहत प्रदेश सरकार की मंजूरी के बिना एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। ऐसे में सीबीआई ने एफआईआर किस तरह से दर्ज की गई? इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से इनकम टैक्स का हवाला दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। कैमरामैन शेर सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।